नहीं, ये कहती है कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा। हमें एक होना पड़ेगा, हम सनातन धर्मावलंबी हैं, सनातन। और ये इधर और भी बिछौना अगर हो जो महिलाएं खड़ी है तो यहाँ बिछवा दे। आगे जोखा है, आगे जो बात है, आगे महिला माला में बैठने की सुंदर व्यवस्था है। भाई वो दो तीन घंटे का कार्यक्रम नहीं है तो सुंदर बैठने की व्यवस्था है और बहुत ही अच्छा उत्तर भारत के माने हुए सुविख्यात कलाकारों का चयन मेरे द्वारा और रामलीला सेवा समिति के द्वारा किया गया है। तो आप लोग वास्तव में आप धनुष यज्ञ की लीला को देखेंगे, खुद अनुभव करेंगे। तो आप सभी लोग बैठ जाए और सुंदर प्रस्तुति हमारी। सनातन धर्मावलंबी है, सनातन सनातन यानी पुरातन, सनातन से पुराना और सनातन से पहले कोई धर्म नहीं हुआ। हम लोग सनातन, सबसे बड़ी बात गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, सीना ठोक के कहो कि हम हिंदू हैं। और हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा राम है। अगर हम राम हैं तो हमें एक होना पड़ेगा, हम हिंदू हैं तो हमें एक होना पड़ेगा। अगर हम एक नहीं हुए तो वो पड़ोसी हमको आंख दिखाएगा। पड़ोसी बोले वो चीन, उसका नाम क्या है? चीन। और चीन को हम लोग क्या कहते हैं? चीनी, चीनी। भारत के लोग चीनी को शरबत में डाल करके, लस्सी में डाल करके, मिठाई में डाल करके, अभी होली में गुजिया में डाल करके इतनी खा गए कि हमारे यहाँ लोगों को शुगर होने लगी है। वो पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान में गोले बरसाओ। अबे क्या गोले बरसाओगे? तुम्हारे पास गोले कितने हैं? अबे जितने तेरे गोलों से धुआं उठेगा उतना तो हमारे कानपुर में ई रिक्शा चलाने वाले बीड़ी सिगरेट से निकाल देते। ये पांच उंगलियां अगर अलग अलग है तो कोई भी मोड़ सकता है। अगर ये पांचों उंगलियां बंद गई तो मुट्ठी बन जाएगी, और मुट्ठी को मोड़ना और तोड़ना हर एक की बात नहीं है। तो आइए ये गीत अगर अच्छा लगे तो पुरस्कार देना और न देना आपकी मर्जी, लेकिन अगर गीत अच्छा लगे तो तालियों का पुरस्कार आपसे पुरस्कार। ये बात तो सभी लोग जोरदार से ताली बजाएंगे अगर कलाकार की कला अच्छी लगे। पुरस्कार न लेना अपनी जगह की बात है। चलिए अब टिंकू कानपुर के द्वारा जैसी कैसी बजेगी उसी प्रकार से इनके द्वारा प्रस्तुति आपको दिखाई जाएगी। तो आप सभी लोग सुंदर लीला का अवलोकन करें और उसके बाद फिर सुंदर जो भी कलाकार हैं फिर उससे प्रस्तुति और फिर जनक जी का दरबार और सुंदर जनक जी का अभिनय। तो आप लोग बैठे और लीला का फिल्म देखें। और ये हमारे श्री भाई दयाराम जी सतवरी से पधारे हुए हैं, उन्होंने ये 100 रुपये का पुरस्कार दिया। हम दयाराम भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए लीजिए ये गीत आपके सामने। तो चलिए कैसेट के माध्यम से आप प्रस्तुति देख रहे और फिर उसके बाद पूजा रानी कानपुर की गलवान की घाटी में शहीद वीर सपूतों को मिला।